सीरीज़ यहाँ बना रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही क्या प्राउड वाली बात है। हम सबको इस पर गर्व करना चाहिए कि इतनी अच्छी जगह को हम छोड़कर पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हैं, और इतना अच्छा टैलेंट है यहाँ पे, यहाँ के बच्चे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे स्कूल में कश्मीरी आर्टिस्ट भी हैं, दे आर डूइंग इट वेरी वेरी वेल। और ये फ्लॉक एंटरटेनमेंट जो उर्दू को जहन में रखते हुए बना रहे हैं, मैं रियली अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे इसमें काम करने का मौका मिल रहा है। इसको जितना बढ़ावा हम देंगे अच्छे सीरियल्स को, तो उतने अच्छे हम बनाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप ये फ्लॉक एंटरटेनमेंट को आप डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। तो कैसे? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कि यहाँ से जाऊँ मैं, लेकिन अभी मुझे एक दो दिन में ही निकलना पड़ेगा। लेकिन दोबारा कभी अगर मौका मिले तो मैं कभी कश्मीर का मौका नहीं गंवाऊंगी, मैं ज़रूर वापस। मेरा और अमल पालेकर का गाना गुलमर्ग में किया था हमने, सिर्फ गाना किया, आए हम गाना करके वापस चले गए, घूमने के लिए हुआ ही नहीं। लेकिन ये पहली बार है जो मैं इतने दिन यहाँ पे रुकी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ की यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ की ज़बान बहुत अच्छी है, दे आर सो स्वीट। बॉलीवुड के लिए तो मैं वही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ यहाँ आइए, निगलेक्ट मत कीजिए कश्मीर को, कोई डेंजरस नहीं है। ऐसा अफवाह फैला दिया है लोगों ने कि बहुत डेंजरस है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं। आई थिंक वी शुड कम एंड शूट हियर।